आज का ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो है. रीजन बीइंग, आप में से बहुत सारे लोग रेगुलरली ट्रेड कर रहे हैं, और जब आप ट्रेड करते हो तो एक एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है. अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, सो निफ्टी और बैंक निफ्टी की चार्ट एनालिसिस करना आपको बहुत जरूरी है. अब होता क्या है, आज की डेट में लोग दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं कि वो किसी और की एनालिसिस या प्रेडिक्शन को फॉलो करते हैं. कभी कभी वो एनालिसिस सही रहती है और कई बार वो एनालिसिस गलत हो जाती है. तो आपको एक खुद से भी एनालिसिस करना आना बहुत जरूरी है. तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ एक एक्सपर्ट कनेक्ट हुए हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट में 15 सालों का एक्सपीरियंस है, और वो आज अपने 15 सालों का एक्सपीरियंस आपको देने वाले हैं कि आप खुद से चार्ट एनालिसिस सीख पाओ, आप खुद से मूव्स को प्रिडिक्ट कर पाओ और इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी एनालाइज कर पाओ. तो आज इस वीडियो में जो आप सीखोगे, ठीक है, आज आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको मंडे के लिए इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा, पता लग जाएगा कि क्या क्या हो सकता है. पर बात सिर्फ कुछ दिनों की नहीं है, हो सकता है आप इस वीडियो को एक साल के बाद भी देख रहे हो. तो एक साल के बाद भी इंपॉर्टेंट क्या होगा, वही सारे पैरामीटर्स जो आज आप इस वीडियो में सीखोगे यही आपके काम आएंगे. तो इस वीडियो से आपको सीखना क्या है, जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ जाइए. अभी जो लेवल्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मुझे बताना जरूरी था आपके लिए. सो आप शुरू करते हैं. आज हमारे साथ एक्सपर्ट है मिस्टर उमेश शर्मा, और उमेश जी आज आपको अपना एक्सपीरियंस देने वाले हैं, तो आप लोगों को भी अब एक्साइटेड हो जाना चाहिए. और शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ. तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज, और हम बात करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम्स के बारे में. तो जैसे कि काफ़ी लोग हैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना पसंद करते हैं, तो हम एग्जांपल के लिए निफ्टी का ही चार्ट लेंगे. हम इसमें डेली टाइम फ्रेम्स कवर करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से किस तरीके से आप ट्रेड बना सकते हैं. इसके साथ साथ फोर आवरली चार्ट का यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम 15 मिनट का चार्ट यूज़ करेंगे. देखिए क्या होता है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करें, राइट, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस करते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में हम ट्रेड ले सकते हैं, जिससे हमारे जो स्टॉप लॉस हैं वो बहुत छोटे हमें मिल जाए. तो हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी के चार्ट से, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम से. अब आ चुके हम निफ्टी के चार्ट पे, और सबसे जो इंपॉर्टेंट टूल है वो है ट्रेंड लाइन. अब हम ट्रेंड लाइन क्यों ले रहे हैं, पहले हम इसको समझेंगे. अगर हम देखेंगे तो मार्केट में एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा था. अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी लगातार एक अप ट्रेंड में चल रहा था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे. ट्रेंड लाइन हम डायरेक्टली इस कैंडल के लो से लेके यहाँ पे हम इसको प्लॉट करते हैं इस एरिया तक. जब हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, हम इसके हाई और लो को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं. आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा हायर हाई, निफ्टी में लगातार हायर हाई बनते जा रहे थे, इसी तरीके से निफ्टी में हायर लो भी बनते जा रहे थे, यहाँ पे हायर लो भी यहाँ पे बनते जा रहे हैं. अब एक चीज़ आप देखने को मिलेगी वो ये है कि हमने पहले से ट्रेंड लाइन प्लॉट कर ली है. हम डेली का चार्ट देख रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, तो हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन जब यूज़ करी, हमने देखा कि जैसे ही इसका आज के दिन ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो हम क्या करते हैं, जब एक सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट है, वो ब्रेक होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो वहाँ पे हम अपनी शॉर्ट पोजीशन बना के चलते हैं. हालांकि मैं उसको और अच्छी तरीके से कवर करूंगा, तो ये रहता है कि जब भी एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा है, इस तरीके से हमें क्या करना है, हमने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करनी है, और उसके बाद हम यहाँ पे जैसे ही कैंडल ब्रेक होती है, इसका ब्रेकडाउन होता है, हम इस जगह पे अपनी शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं. बट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन बना के चले तो स्टॉप लॉस क्या होगा, जिस कैंडल ने लो ब्रेक करा है उसी कैंडल के हाई का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं. अभी मैं बड़े टाइम फ्रेम यानी कि डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ. अगर यही चीज आपको, अगर ये तो हम अप ट्रेंड देख रहे हैं, अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें, ट्रेंड लाइन हमेशा अप ट्रेंड लाइन पे नहीं बनती, डाउन ट्रेंड लाइन में भी बनती है, यानी कि डाउन ट्रेंड में भी देखने को मिलती है. अगर मैं देखूं कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है, हम इसकी एनालिसिस कर रहे हैं प्रॉपर, हमको एक ट्रेंड लाइन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें लोअर हाई लोअर लो देखने को मिलते हैं. और जब भी मार्केट में ये ट्रेंड लाइन का हाई ब्रेक होता है, यानी कि ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन बाय बना के चलते हैं इसी के कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ. तो आज जो निफ्टी के गिरने का कारण था वो ये था कि सिंपली यहाँ पे हमने डेली चार्ट देखा, और डेली चार्ट पे जो ट्रेंड लाइन था उसका एक ब्रेकडाउन देखने को मिला. अभी हमने एनालिसिस जो करी है वो डेली चार्ट पे करी है. अब इसको हम क्या करते हैं, जैसे हमने बोला कि हम मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, तो अब हम इसके फोर आवरली चार्ट पे आपको लेके चलते हैं. वहां पे आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमें अपने टाइम फ्रेम्स को भी बार बार चेंज करना होता है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम जाते हैं इसके फोर आवरली चार्ट पे, और फोर आवरली चार्ट पे इसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि फोर आवरली चार्ट पे हमें क्या देखने को मिला था. अब हम इसके फोर आवरली चार्ट पे जाते हैं,
तो इसमें हमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला था जिसको बोलते हैं बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। दूसरी चीज हमें देखने को मिली थी यहाँ पे कि इसमें पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। मैं शॉर्ट में इसे डीटी लिख देता हूँ, डबल टॉप पैटर्न। इसके अलावा अगर हम देखें तो डाइवर्जेंस भी हमें नेगेटिव देखने को मिले थे। डाइवर्जेंस के बारे में बताना चाहूंगा, तो डाइवर्जेंस जब भी हम डाइवर्जेंस की स्टडी करते हैं तो चार्ट को हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ये देखेंगे चार्ट को हमने यहाँ पे मिनिमाइज करा है। यहाँ पे भी आप फोर अवर्ली चार्ट पे भी आप ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते थे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मार्केट लगातार अपने हाई बना रहा था और अगर हम डाइवर्जेंस को देखेंगे तो डाइवर्जेंस लगातार नीचे की तरफ जा रहे थे। हालांकि मार्केट हाई बना रहा था बट मार्केट को पता था कि जो बाजार है कभी भी उसमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। बट आप ट्रेड कब करेंगे उसके लिए कहीं ना कहीं आपको पैटर्न्स या फिर कैंडलस्टिक सीखने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं आपको डबल टॉप समझाना चाहूंगा। डबल टॉप क्या होता है? डबल टॉप बेसिकली का रेजिस्टेंस का फेलियर होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जैसे लेवल्स के बारे में स्टडी करी होगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानते हो। मैं यहाँ पे एक बेसिक तरीके से बता देता हूँ कि मार्केट में एक मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, एक डबल टॉप पैटर्न बना। बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस है। आपने देखा इसका हाई बना है 201 का। आप देखते हैं जैसे ही मार्केट 201 से ऊपर जाता है तो आपको लगता है कि इसमें रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया और आप क्या करते हैं यहाँ पे अपनी बाय पोजीशन बना लेते हैं। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, हो सकता है कि ये डबल टॉप पैटर्न है। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपको डबल टॉप पैटर्न देखने को मिले सबसे पहले डाइवर्जेंस चेक कर लो। अब डाइवर्जेंस के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो बेयरिश कैंडल है इसका हाई कितना बना हुआ है, 18,881.45, राइट। और इस कैंडल का हाई कितना है, 18,886। ये जो कैंडल है बेयरिश कैंडल है उसका हाई इस बेयरिश कैंडल से हायर है, राइट। अब आप एक चीज समझिए कि ये हाई है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे था तो बार्स कहाँ थे, एमएसीडी के बार्स। एमएसीडी को मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। एमएसीडी होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। कन्वर्जन मतलब पास आ रहा है, डाइवर्जेंस मतलब दूर जा रहा है, पास आ रहा है दूर जा रहा है, पास आ रहा है दूर जा रहा है। ये बेसिकली प्राइस के अकॉर्डिंगली काम करता है। इंडिकेटर एक सपोर्टिंग टूल है, प्राइस के साथ साथ काम करता है। अगर मैं आपको सिंपली वे में बताऊं तो एक अप ट्रेंड है बार्स अप गए, एक डाउन ट्रेंड है बार्स नीचे आए, फिर एक अप ट्रेंड आया तो ये बार्स नीचे से ऊपर की तरफ गए। इसी तरीके से ये क्या है, प्राइस के साथ साथ काम कर रहा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हाई बना 18,881, यहाँ पे हाई बना 18,886 का यहाँ पे हाई बना। बट यहाँ पे जो डाइवर्जेंस थे अगर यहाँ पे देखेंगे कि बार्स यहाँ पे तो ऊपर की तरफ है और जब नया हाई बना तो बार्स ऊपर की तरफ होने चाहिए ना, क्योंकि नया हाई बना है, हायर हाई तो अब इसमें कल ही देखने को मिला है ना, तो यहाँ पे बार्स ऊपर की तरफ होने चाहिए बट बार्स का है नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये है कि मार्केट पहले से इंडिकेट कर रहा था, डाइवर्जेंस पहले से इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट में एक फॉल देखने को मिल सकता है। बट एक चीज और है यहाँ पे, मैं आपको अधूरा सच बता रहा हूँ, पूरा सच नहीं बता रहा। अगर आप डाइवर्जेंस के बेस पे ट्रेड लेना चाहते हैं, अगर आप डाइवर्जेंस के बेस पे सेलिंग करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन बनता है, वो है डबल टॉप पैटर्न। जब भी चार्ट पे आपको डबल टॉप पैटर्न देखने को मिले और उसके बाद आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल जाए तो वो एक कंफर्मेशन होती है कि वहां पे आप सेल कर सकते हैं। हालांकि सेल आपको डबल टॉप से ही करना है, डाइवर्जेंस लेने हैं आप, यानी कि कंफर्मेशन लेनी है आपको डाइवर्जेंस से। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोलूँ कि भाई आप सीधा जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपको मेट्रो स्टेशन तक जाना है। आपने किसी से पूछा मेट्रो स्टेशन कहाँ है, वो बोलेगा आगे से अगर राइट हो जाओ। आपको जल्दी थी, आप फिर आगे जाते हैं, फिर आप सोचते हैं यार एक काम करता किसी और से ही पूछ लेता हूँ। आपने किसी और से ही पूछा, उसने बोला भी सीधा जाके राइट हो जाओ, तो फिर आप तीसरे बंदे से नहीं पूछोगे क्योंकि आपको दो कंफर्मेशन, दो या तीन कंफर्मेशन वहां से मिल चुकी है। इसी तरीके से फर्स्ट कंफर्मेशन हो गई आपकी डबल टॉप पैटर्न, सेकंड कंफर्मेशन हो गई आपके नेगेटिव डाइवर्जेंस और थर्ड कंफर्मेशन हो गई आपका ये बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न, जिसके बारे में हम आपको आगे एपिसोड्स में बताएंगे, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब ये तीनों यानी कि चार्ट पैटर्न में भी कंफर्मेशन बनी डबल टॉप की, बेरिश एंगल्फिंग में बनी यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न में भी सेलिंग की कंफर्मेशन मिली, और जब इंडिकेटर की भी कंफर्मेशन मिली, यानी कि तीनों लोग जब चीख चीख के बोल रहे थे कि भाई सेल करो, और अगर आपने उस टाइम पे सेल नहीं करा तो फिर इसमें गलती आप ही की है। इसलिए मैं बोलता हूं कि सारी चीजें मार्केट में सीखनी काफी जरूरी है, बट लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि भाई मैं तो इसी इंडिकेटर में काम करता हूं, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ मूविंग एवरेज देखता हूं, मैं तो सिर्फ वी वेब देखता हूं, मैं तो सिर्फ RSI देखता हूं, मैं सिर्फ रेजिस्टेंस सपोर्ट में ही काम करता हूं, मैं तो सिर्फ फलाना या कोई पर्टिकुलर कैंडलस्टिक चार्ट देखता हूं या कैंडलस्टिक पैटर्न देखता हूं। आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। अब इसमें लोग क्या करते हैं, जो काम की चीज है वो सीखती नहीं है या फिर एक ही चीज सीख लेते हैं। तो यहां पे डबल टॉप
पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। अभी हमने डेली चार्ट बताया आपको, फोर आवरली चार्ट बताया, अब हम जाते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ। और मैं डायरेक्टली यहाँ पे लगा लेता हूँ 15 मिनट का चार्ट। अब हमने स्टार्ट कर दिया डेली से, फिर फोर आवरली से, अब जाते हैं 15 मिनट के ऊपर। अब हम बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस कर रहे हैं, बट ट्रेड जो करेंगे वो स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से करेंगे। अब हमने क्या करा, 15 मिनट का चार्ट लिया, और 15 मिनट के चार्ट पे हम क्या करते हैं, लेवल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम जब काम करते हैं मार्केट में तो हमें लेवल्स कहीं ना कहीं से निकालने पड़ते हैं। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम देखेंगे 15 मिनट्स का चार्ट, और 15 मिनट्स के चार्ट के हिसाब से हम एक सपोर्ट एरिया ढूंढ लेते हैं। बेसिकली क्या है, एक डिमांड जोन भी आप इसे कह सकते हैं। अब इस डिमांड जोन में क्या करना है आपको, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये 15 मिनट्स का चार्ट है, मार्केट ने लो बनाया, यहाँ पे एक हाई बनाया, और हाई के बाद फिर से ये अपने सपोर्ट की तरफ आ रहा है। अगर आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ पे मैं आपको एनालिसिस करना बता रहा हूँ, जिससे आने वाले टाइम पे कभी भी आपको इस तरीके का चार्ट आपके सामने आता है तो आपको ट्रेड कैसे लेना है वो आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा। तो यहाँ से अगर बाजार जाता है 18,650 के आसपास, तो हम क्या करते हैं, ये एक सपोर्ट एरिया हमने क्या करा, यहां से फाइंड कर लिया। अब सपोर्ट एरिया जब हमने फाइंड करा, हमने देखा 18,640 का एक सपोर्ट है, और जब भी मार्केट इसको ब्रेक करता है, इसको मार्केट ब्रेक करता है पेनिट्रेट कैंडल के साथ। पेनिट्रेट कैंडल होता है इसका कुछ पार्ट लाइन के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर, कुछ पार्ट बॉडी का लाइन से नीचे, और नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसका लो ब्रेक करता है तो आप यहां पे सेल पोजीशन बना सकते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आप डेली चार्ट पे जब काम करते हैं तो डेली चार्ट पे आप पेनिट्रेट कैंडल के नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। ये मैं बात कर रहा हूं जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, तो एटलीस्ट एक कंफर्मेशन मिल जाती है। दूसरी चीज आपको देखनी है कि अगर आप सेलिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जो पेनिट्रेट कैंडल है इसके हाई का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। देखिए क्या होता है, मार्केट में आप कोई भी ट्रेड बना रहे हैं, चाहे बाइंग का ट्रेड बना रहे हैं, चाहे सेल का ट्रेड बना रहे हैं, जब आप ट्रेड बनाते हैं तब सब कुछ अच्छा लगता है। हो सकता है कि बाजार रिवर्स हो जाए, बट एटलीस्ट आपको बचाने के लिए सबसे बढ़िया चीज है आपके पास स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लेना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। काफी लोग स्टॉप लॉस लेते नहीं है, या फिर काफी लोगों को स्टॉप लॉस लेना नहीं आता, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम करे, चाहे चार्ट पैटर्न पे काम करे, और कुछ लोग तो इंडिकेटर्स पे काम करते हैं तो इंडिकेटर्स में तो स्टॉप लॉस मिलते नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास एटलीस्ट ये पता है कि आप लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस पता है, और जब भी बाजार सपोर्ट के नीचे जाता है तो वहां से आप अपनी सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपके पास है, जैसे बाजार यहाँ से नीचे जाता है तो वहां पे आप अपनी सेलिंग पोजीशन बना के चल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरे तरीके से और समझाना चाहूंगा। ये तो हो गया कि आपको एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, दूसरे केस में भी आपको एक चीज देखने को मिल सकती है कि मार्केट में जब बाजार नीचे आया तो आपको इस एरिया में फाइंड करना है, सपोर्ट की एरिया में कोई कैंडलस्टिक का रिवर्सल पैटर्न तो नहीं देखने को मिला। बहुत सारी चीजें हैं जो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, इसमें रिवर्सल कैंडल कौन सी होती है, जैसे आपको कोई हैमर कैंडल तो नहीं देखने को मिली, हैमर जो कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार, पियर्सिंग पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एरेमी, इन्वर्टेड हैमर, ये कुछ तरीके की कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर आपको चार्ट के बॉटम पे देखने को मिल जाती है तो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि यहां से बाजार में रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो काफी लोग सपोर्ट पे बाइंग करना पसंद करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट के नीचे सेल करना पसंद करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको ये मत देखना कि मैं बायर हूं या फिर मैं सेलर हूं, आपको अपॉर्चुनिस्ट बनना है। ब्रेकडाउन मिलता है सेल करो, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो आप बाय करके पैसा बना सकते हैं। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि मंडे को मार्केट क्या हो सकता है, हो सकता है वीडियो आप सैटरडे देख रहे हैं, संडे देख रहे हैं, मंडे को क्या हो सकता है, तो मंडे के एनालिसिस मैं करके आपको बताना चाहता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, आपने 15 मिनट का चार्ट लगाना है, 15 मिनट के चार्ट पे आपको लेवल्स लगाना है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ पे आपने क्या करा, लो देखा, और लो के बाद आपने एक सपोर्ट फाइंड कर लिया। अब सपोर्ट हम मान के चलते हैं जी 18,650 का सपोर्ट है, 18,650 का हमने एक सपोर्ट यहां पे ले लिया। अब सपोर्ट लेने के बाद नेक्स्ट कैंडल अगर मान लो बेरिश बनती है, यहां पे बेरिश कैंडल, वही पेनिट्रेट कैंडल जिसका बॉडी का पार्ट कुछ ऊपर कुछ नीचे होना चाहिए लाइन के, और नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसका लो ब्रेक करती है तो आप नेक्स्ट 15 पे, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट आपको देखना है, 15 मिनट के चार्ट पे ब्रेकडाउन मिलेगा 9:15 से 9:30 के बाद आप कंफर्मेशन के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। काफी लोग जल्दबाजी करते हैं, खुलते बाजार में ट्रेड ले लेते हैं, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत है। 15 मिनट मार्केट में रुकना चाहिए, और 15 मिनट बाद जब यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पे अगर बाजार ब्रेक डाउन देता है, यानी कि बेरिश कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो यहाँ पे आप सेलिंग पोजीशन अपनी बना सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके हाई का रह सकता है। दूसरे केस में अब रहेगा टारगेट कि भाई मैं बुक कहाँ करूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, मैंने सेल तो कर दिया, अब मैं बुक कहाँ कर सकता हूँ। तो उस केस में आपको देखना है कि ये जो सपोर्ट है और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस कितने का है, मान के चलते हैं 18,750 का है। सपोर्ट क्या है, 18,650 का है।
तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है? 100 पॉइंट का डिफरेंस है। तो अगर आप सेल करके चलते हैं तो एटलीस्ट आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 18,550 से 580 के बीच में आपका टारगेट होना चाहिए। बट आपको बोलना चाहूंगा टारगेट कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, मार्केट कहीं से भी रिवर्स होता है। तो एटलीस्ट अपना जो फर्स्ट टारगेट है वो आप 18,570 से 580 के बीच में रखिएगा। मार्केट जब वहां पे आता है और थोड़ा सा रिवर्स होता है तो वहां पे आप अपने प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मंडी की बेस्ट एनालिसिस है, इसके बेस पे अगर आप काम करेंगे तो अच्छा खासा पैसा मार्केट से आप कमा सकते हैं। अब दूसरे केस में क्या हो सकता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जरूरी नहीं है कि मार्केट नीचे ही खुलेगा, हो सकता है मार्केट गैप अप खुल जाए। तो हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस भी है, वो है 18,750 का। देखो इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो एक बड़ा गैप अप देखने को मिल जाए, बड़ा गैप अप देखने को मिल जाए और मार्केट सीधा ही 18,750 ब्रेक करता है तो यहां से एक बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी, उसके हाई पे आप बाय कर सकते हैं। बट मुझे जो लग रहा है कि ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि मार्केट मान लो यहीं पे ही ओपन होती है और वो प्रीवियस कैंडल का जो बुलिश कैंडल आप देख रही है उसका लो ब्रेक कर देती है, और हो सकता है कि कुछ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो क्या हो सकते हैं, मॉर्निंग स्टार, हैमर, कुछ भी इस तरीके के रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस बॉटम से अपनी बाय पोजिशन बना के चल सकते हैं। तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटी बन जाती है बाय की, या तो आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाए तो आप बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं, या फिर आपको एक बड़ा गैप अप देखने को मिलता है और बाजार 18,750 जो कि एक रेंज बनी हुई है 18,650 से 18,750, 18,750 को ब्रेक करती है तो भी आप वहां से क्या कर सकते हैं, अपनी बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं। फिर उस केस में इसका जो टारगेट बनता है फिर वो बनेगा 18,850 का। तो यहाँ पे मैंने आपको मंडी के एनालिसिस करके बताई कि कैसे आप सेल कर सकते हैं और किस तरीके से अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है बॉटम पे सपोर्ट पे तो आप बाय बना के चल सकते हैं, बट उसके लिए आपको कैंडलस्टिक की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा कि जैसे आपको रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो कैसे आप इस पेनिटेड कैंडल के लो के स्टॉप लॉस से बाय करके भी 18,850 की राइडिंग आप ले सकते हैं, यानी कि उतना बाजार अगर जाता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी हमने बात करी निफ्टी की और निफ्टी के हमने आपको लेवल्स बताए, अब हम यहां पे लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट और हम बैंक निफ्टी के भी आपको लेवल देना चाहेंगे। और यहां से अगर हम बात करें तो एक सपोर्ट हम यहां से बैंक निफ्टी का ले लेते हैं, सपोर्ट जो बनता है वो है 43,520 का। अब मैं यहां पे लिख देता हूं बैंक निफ्टी का लेवल 43,520, इसका एक क्रूशियल सपोर्ट है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ये करेंगे कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आता है, थोड़ा भी गैप डाउन देखने को मिलता है, बेरिश कैंडल के साथ मंडे को शुरुआत करता है तो एटलीस्ट आपके पास एक सपोर्ट लेवल है। और जब बाजार सपोर्ट को ब्रेक करता है, 43,520 को ब्रेक करता है, इसमें भी आपको क्या देखनी है, एक पेनिट्रेट कैंडल। पेनिट्रेट कैंडल बेरिश हो सकती है, उसमें ओपनिंग ऊपर और क्लोजिंग नीचे की तरफ होगी, 15 मिनट का ही चार्ट यूज करना है और जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा तो यहां पे आप अपनी सेल पोजीशन बना के चल सकते हैं। अगर हम टारगेट की बात करें, टारगेट हम देखेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था वो 43,850 के आसपास था और सपोर्ट है 40,500 के आसपास, तो 300 पॉइंट्स का यहां पे हमें डिफरेंस मिला है। तो टारगेट जो लेके चलेंगे वो 43,200 के आसपास का रह सकता है। दूसरे केस में क्या होगा, अब जरूरी थोड़ी कि मार्केट नीचे खुलेगा, हो सकता है बाजार में गैप अप तेजी देखने को मिल जाए, हो सकता है कि मार्केट खुला बेरिश बट वहां से भी रिवर्सल देखने को मिल जाए, तो उसको कैसे कैच करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर मान लो यहां पे बाजार जो है बेरिश कैंडल के साथ शुरुआत करता है तो उसमें हमें क्या चेक करना है, हमें देखना है कि यहां पे किस सपोर्ट एरिया में, क्योंकि ये क्या है, सपोर्ट जोन है, ये डिमांड जोन है, सपोर्ट एरिया बना हुआ है, डिमांड जोन है। यहां पे अगर आपको इस में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, मॉर्निंग स्टार या फिर हैमर, कोई भी कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलते हैं तो भी आप अपनी बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं। और अगर बड़ा गैप अप देखने को मिलता है, बड़ी बुलिश कैंडल देखने को मिलती है तो एटलीस्ट आपके पास एक रेजिस्टेंस है जो कि है 43,850 के आसपास का, और वहां पे अगर आपको बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, उसका हाई ब्रेक होता है तो भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें बाय की पोजीशन बना सकते हैं। ये मैंने आपको बैंक निफ्टी का लेवल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे फिन निफ्टी के चार्ट पे और फिन निफ्टी का भी लेवल हम आपको देना चाहेंगे। फिन निफ्टी का हम डायरेक्टली क्या करते हैं, 15 मिनट्स का चार्ट आपके लिए लगा देते हैं और 15 मिनट्स के चार्ट में हम फिन निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। यहां पे हमने एक सपोर्ट एरिया फाइंड करा और ये लिया हमने एक रेजिस्टेंस एरिया, हमने देखा कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 19,620 के आसपास है और इसका जो सपोर्ट है वो 19,490 के आसपास है।
आप इसे 500 भी मान के चल सकते हैं। इस केस में क्या होगा कि अगर मान लो बीरिश कैंडल के साथ शुरुआत होती है, बीरिश कैंडल के साथ मार्केट नीचे आता है, पेनिट्रेट कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो सेल पोजीशन यहां पे आप बना के चल सकते हैं आप अपनी, तो स्टॉप लॉस वही पेनिट्रेट कैंडल के हाई का हो सकता है, सिंपल। और इसमें जो डिस्टेंस की बात करेंगे, डिफरेंस की बात करेंगे, जो डिफरेंस कितना है यहां पे, आप मान के चलिए कुछ 130 पॉइंट्स का डिफरेंस है और इतना ही 100 पॉइंट्स के आसपास का आप नीचे टारगेट भी ले सकते हैं। इसी केस में अगर मान लो कि बाजार में इसी एरिया में कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले तो आप अपनी पोजीशन रिवर्स भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कैंडलस्टिक को सीखना पड़ेगा, आपको कैंडलस्टिक आना चाहिए, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि बाजार में जो रिवर्सल है उसका कारण क्या है, उसके लिए आपको कैंडलस्टिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन अगर आप कर रहे हैं तो प्राइस को आपको फील करना पड़ेगा और प्राइस को ही कन्वर्ट किया गया कैंडलस्टिक में। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई बुलिश कैंडल की शुरुआत होती है, बुलिश कैंडल इसमें बनती है और बाजार अब अच्छा रेजिस्टेंस ब्रेक करता है जो कि 19,620 का हो सकता है और उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आपको वहां से एक बड़ी तेजी भी देखने को मिल सकती है और उसके बाद अपना जो टारगेट है वो 19,720 का आप रख सकते हैं। तो ये मेरी एनालिसिस है मंडे के लिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप खुद की एनालिसिस कर सकते हो। आज जो बात हुई है, आज बात हुई है कि करंट मार्केट को देखते हुए आपको लेवल्स बताने की, पर एक चीज आप देखेंगे यहाँ पे उमेश जी बार बार रिपीट कर रहे थे कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है, ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है। हो सकता है आपकी भी डिमांड हो कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर कंप्लीट ट्रेनिंग चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके दबाकर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो एक चीज का प्रॉमिस है, अगर आप डिमांड करेंगे तो फिर सप्लाई हम भी आपको देंगे। तो सप्लाई आपको मिल सकती है, अगर आप डिमांड करेंगे तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर कंप्लीट ट्रेनिंग चाहिए। फाइनली इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उमेश जी का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेकआउट। फाइनली अगर आप स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके अपने डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।